Assalamu alaikum, dear students. I hope you all are fine and doing good. So in your subject of social studies, we are discussing our chapter number 11, conquering distances, right? Today our topic is about railways. Railways mein kaun sa transport aata hai? Trains ka, right? To har ek country mein network of railways hota hai. जैसे कि हमारे यहाँ भी है. तो ये जो रेलवेज है, ये जो ट्रेन्स है, ये किस पे चलती है? ये रेल ट्रैक पे चलती है. ट्रेन्स ट्रैक के बाहर नहीं चलती. ट्रेन्स में हम सिर्फ पैसेंजर्स ही नहीं, बल्कि बहुत सारा जो भी गुड्स है वो भी कैरी करते हैं. बहुत सारी चीज़ें एक जगह से दूसरी जगह कैरी करते हैं, और ख़ुद पैसेंजर्स भी एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं. चाहे हमें शॉर्ट डिस्टेंस ट्रैवल करनी हो या लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल करनी हो, हम ट्रेन दोनों ही सिचुएशंस में यूज़ कर सकते हैं. पहले पहले ट्रेन इंट्रोड्यूस हुई, उस टाइम पे क्या यूज़ किया जाता था? स्टीम एनर्जी. ट्रेन चलाने के लिए स्टीम का यूज़ किया जाता था एज अ फ्यूल टू रन द इंजन. उसके बाद विद द पैसेज ऑफ टाइम, जितनी जितनी डेवलपमेंट्स हुई, उतना उतना ट्रेन्स में भी डेवलपमेंट्स आने लगी. और ट्रेन अब किस पे चलती है? इलेक्ट्रिसिटी पे. ट्रांस साइबेरियन रेलवे नेटवर्क, ये दुनिया का सबसे बड़ा रेलवे है. ये सबसे बड़ा रेलवे नेटवर्क है पूरे वर्ल्ड में, जो कि रशिया में है. ओरिएंट एक्सप्रेस, ये भी एक ऐसी ट्रेन है जो काफ़ी हाई क्लास ट्रेन है. इसका स्टैंडर्ड बहुत ही ज़्यादा हाई है. और ये किसको कनेक्ट करती है? पेरिस को ये कनेक्ट करती है इस्तांबुल के साथ. पेरिस एक कंट्री है, इस्तांबुल टर्की में है, इस्तांबुल दूसरी कंट्री में है. तो ये दोनों कंट्रीज़ को कनेक्ट करती है ग्रैंड ओरिएंट एक्सप्रेस. USA का लार्जेस्ट नेटवर्क है रेलवेज का, ट्रांस साइबेरियन रेलवे. जो इससे पहले बोला था वो लॉन्गेस्ट रेलवे है पूरी दुनिया की. लेकिन जो लार्जेस्ट नेटवर्क है, नेटवर्क क्या होता है? एक रूट को दूसरे रूट से जो कनेक्ट करती है रेलवेज में, वो USA का सबसे लार्जेस्ट है. वहाँ पे ऐसी ट्रेन्स हैं जो स्टीज को एक स्टी को दूसरे स्टी से कनेक्ट करती है, एक कोस्ट को दूसरे कोस्ट से कनेक्ट करती है. वहाँ की ट्रेन्स को ट्रांसकॉन्टिनेंटल ट्रेन्स कहा जाता है, इसीलिए, क्योंकि वो पूरे कॉन्टिनेंट में चलती हैं. वो पूरे कॉन्टिनेंट में उस रेलवे नेटवर्क फैला हुआ है, तभी उनको ट्रांसकॉन्टिनेंटल ट्रेन्स कहा जाता है. ये थी USA की बात. जापान में जो ट्रेन्स चलती हैं उनको बोलते हैं बुलेट ट्रेन्स. बुलेट ट्रेन्स इसलिए क्योंकि उनकी स्पीड काफ़ी ज़्यादा तेज़ होती है, 400 किलोमीटर्स पर आवर ऐसा कहा जाता है. तो इसलिए उनको बुलेट ट्रेन्स कहा जाता है, जो गोली की रफ्तार से चलते हैं. ऐसे ही फ्रांस में जो ट्रेन्स हैं उनको बोला जाता है TGV. दे आर ऑल्सो हाई स्पीड ट्रेन्स. और जो चाइना की ट्रेन्स हैं उनको मैगलव कहा जाता है. चाइना में जो मैगलव ट्रेन्स हैं वो कैसे चलती है? वो मैग्नेट्स से चलती है. उनमें मैग्नेट्स का इस्तेमाल होता है, और दे आर ऑल्सो सुपर फास्ट ट्रेन्स. इंडिया में जो रेलवे सिस्टम है वो इंट्रोड्यूस किया था ब्रिटिशर्स ने, यानी कि इंग्लिश ने, जब वो यहाँ पे रूल कर रहे थे. तो पहली ट्रेन जो इंडिया में चली, दैट रैन बिटवीन थाने एंड बॉम्बे 1853 में. आज इंडिया जो है ये फोर्थ नंबर पे आता है. फर्स्ट नंबर पे USA आता है, लार्जेस्ट नेटवर्क जिनका है रेलवेज में. इंडिया फोर्थ नंबर पर आता है. कुछ ऐसी बड़ी बड़ी सिटीज़ हैं, मेट्रोपॉलिटन सिटीज़, जैसे कि दिल्ली है, कोलकाता है, वहाँ पे मेट्रो ट्रेन्स चलती है जिनकी स्पीड काफ़ी फास्ट होती है. मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ वो सिटीज़ होती है जो काफ़ी लार्ज होती है, और जो कनेक्ट करती है नियर बाय जो उनके आसपास के एरियाज़ होते हैं उनको भी कनेक्ट करती है. चेन्नई और मुंबई में लोकल सब अर्बन ट्रेन्स चलती है, यानी कि लोकल ट्रेन्स चलती है जो सिटी टाउन को आपस में कनेक्ट करती है. ऐसे ही कोलकाता में हमें जो ट्रेन मिलती है, दैट इज़ ट्राम. ट्राम वो ट्रेन होती है जो इलेक्ट्रिसिटी पे चलती है. तो इंडिया भी काफ़ी डेवलप हो रहा है रेलवे सिस्टम में.
और सुपर फास्ट एयर कंडीशन ट्रेन्स हैं इंडिया में, जैसे कि राजधानी है, शतपथी एक्सप्रेस है, ये वो ट्रेन्स हैं जो काफ़ी हाई क्लास है, काफ़ी फास्ट चलती है, और इनमें कुछ एयर कंडीशन ट्रेन्स यानी कि इनमें वैसी ही फैसिलिटीज होती है, काफ़ी महंगी ट्रेन्स है ये. Okay, so this is it for the day. Do reading of page number 64, topic railways. Take care. Allah Hafiz.